लहसुन के दाम आसमान छू रहे हैं। दिन ब दिन दाम बढ़ने की वजह से लहसुन उत्पादक किसान खुश है, लेकिन अब किसानों को खेतों में खड़े लहसुन की चिंता सताने लगी है, क्योंकि चोरों की नजर लहसुन की फसल पर है। ऐसे में अब किसानों ने खेतों में अपनी फसल को बचाने के लिए तीसरी आंख का सहारा लिया है। सीसीटीवी कैमरे और बंदूक के सहारे फसल की निगरानी की जा रही है। खूंखार कुत्ते खेत की रखवाली कर रहे हैं। ये तस्वीरें छिंदवाड़ा के मोखेर क्षेत्र के सांवरी की है, जहां आप देख सकते हैं कि किसान किस तरह अपनी फसल को बचाने के लिए सीक्रेट आंख का सहारा ले रहे हैं। हाँ, सुरक्षा के इंतजाम के लिए हम यहाँ पर रहते भी हैं। हमारा मकान है यहाँ पे, पास में वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं और यहाँ रात में भी रहते हैं और दिन में भी रहते हैं। कितना बीघे में? दो बीघे में लहसुन है मेरी। ये कितने बीघा हो जाएगा? कैसे ये लहसुन पैदा, ये 40 से 50 कुंटल अनुमानित। अब इससे कितनी हो जाए और उसके बाद कितनी लागत की होगी? अभी लागत क्या है, लागत का अनुमान तो नहीं है मेरे को, पर फिर भी कम से कम बीज छोड़ के 20-25 हज़ार रुपये बीघा तो लहसुन में खर्च है ही सही। बीज अलग, इसमें बीज कोई घर का रहता है तो उसकी कोई है नहीं है। आपने कैमरे भी लगाए हैं, कैमरे क्या देखते हैं लहसुन? हाँ, लहसुन के भाव बढ़े हुए, चोरी का भी डर रहता है इस साल, क्या कि लहसुन की चोरी भी हो रही है ऐसा सुनने में आता है, तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से सभी इंतजाम किए हैं ये कि अपने लहसुन दिक्कत नहीं आए, कोई उठा के न ले जाए। कैमरे नहीं लगवाया तो उसके पहले कैसे सुरक्षा करते हैं? इसके पहले ज़रूरत ही नहीं थी, लहसुन का इतना भाव ही नहीं रहता था, ज़्यादा है इसके कारण ये सब हो रही है। पहले आप कैसे सुरक्षा करते थे, डंडा या आपने बताया? हाँ, डंडा वंडा ये लेते रहते थे यहाँ पे। बता दें कि इस वक्त भारत में कई जगहों पर लहसुन 400 से 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं, जिससे किसानों की चांदी चांदी हो गई है। उज्जैन से शुभम की रिपोर्ट।